हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी M04 और दूसरी तरफ मोटो का G31। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो प्राइस में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गैलेक्सी के M04 को भी 9,499 रुपए की प्राइस में 4 GB की रैम और 64 GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो के G31 को भी 9,499 रुपए की प्राइस में 4 GB की रैम और 64 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग भी 10,000 रुपए से कम के प्राइस में कोई नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन के अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलता, पर परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मोटो के G31 में मीडियाटेक का हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी M04 में मीडियाटेक का हीलियो P35 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि गैलेक्सी के M04 के प्राइस को अगर देखा जाए तो आप लोगों को लो एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G31 में आप लोगों को इसके प्राइस को अगर देखा जाए तो एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन में से परफॉर्मेंस के मामले में तो मोटो का G31 बेस्ट हो जाता है। दोनों स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह परफॉर्मेंस के मामले में मोटो का G31 सैमसंग गैलेक्सी M04 से बेटर हो जाता है, उसी तरह डिस्प्ले के मामले में भी मोटो का G31 सैमसंग गैलेक्सी M04 से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि मोटो के G31 में 6.4 इंच की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 60Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि 10,000 रुपीज के प्राइस में काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी M04 में 6.5 इंच की HD++ LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि इसके प्राइस को अगर देखा जाए तो आप लोगों को लो एवरेज क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले में कोई भी रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में मोटो के G31 में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी M04 के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 13 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा सिर्फ 2 MP का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, जो कि 10,000 रुपीज के प्राइस को अगर देखा जाए तो गैलेक्सी के M04 में लो एवरेज क्वालिटी का ही कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में भी क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का G31, क्योंकि मोटो के G31 में 13 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के M04 में सिर्फ 5 MP का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मोटो का G31 गेमिंग के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M04 से बेटर हो जाता है, डिस्प्ले के मामले में भी सैमसंग गैलेक्सी M04 से बेटर हो जाता है और कैमरे के मामले में भी सैमसंग गैलेक्सी M04 से बेटर हो जाता है मोटो का G31। दोनों स्मार्टफोन के अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो मोटो के G31 में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M04 में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो गैलेक्सी के M04 में भी 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट तो देखने को मिल जाता है, पर कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वही दूसरी तरफ मोटो के G31 में भी 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर फोन में कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो गैलेक्सी के M04 का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इसका सिक्योरिटी फीचर, क्योंकि आपके गैलेक्सी के M04 में सिक्योरिटी फीचर के लिए कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ फेस अनलॉक का ही फीचर देखने को मिल जाता है, जबकि मोटो के G31 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर मोटो का G31 हर मामले में सैमसंग गैलेक्सी M04 से बेटर हो जाता है। तो अगर आप लोग भी 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में एक ऐसा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो जिसमें एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाए, एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी देखने को मिल जाए, फ्रंट और बैक में एक अच्छा कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाए, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मोटो के G31 को ही बाय करें।